ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन बक्सर शाखा के द्वारा आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत PWI प्रमोद कुमार के तानाशाही रवैये से नाराज कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन लोगों ने प्रमोद कुमार पर रेलवे कर्मचारियों को मानसिक रूप से परेशान करने एवं प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही साथ उन लोगों ने PWI के तबादलों के बाद भी यहां 1.5 वर्षों से जमे रहने के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रमोद कुमार लगातार रेल कर्मियों को टारगेट कर निशाना बना रहे हैं और अपने चहेते कर्मियों का एक अलग गैंग बनाकर अलग तरीके से समानांतर सरकार चला रहे हैं, वह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और अगर आने वाले दिनों में रेल प्रबंधक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो रेल कर्मी कुछ भी करने को तैयार है। ईस्ट सेंट्रल कर्मचारी रेल यूनियन के बक्सर शाखा मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि PWI के मनमानी से रेल कर्मी काफी तनाव में काम करने को मजबूर है। वहीं इन लोगों की 6 सूत्रीय मांग शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से ट्रैकमैन को 16 किलोमीटर पर TA का भुगतान किया जा रहा है, जबकि 8 किलोमीटर पर रन का भुगतान करने का नियम है। वहीं बिना किसी कारण और द्वेष के यूनिट नंबर L1 के ट्रैकमैन का तबादला आरा से अनियंत्रित स्टेशन कर दिया गया है। आरा के PWI प्रमोद कुमार का तबादला 3 अक्टूबर 2022 को ही आरा से कर दिया गया, लेकिन अभी तक इनको विरामित नहीं किया गया। वहीं जूनियर ट्रैकमैन के रहते कि मैंने से काम जबरदस्ती कराया जाता है।